your very very number who I'm a enrollment teacher and I teach as you. So let's start on शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास है. देखिए क्लास आपकी फोर्थ है. सब्जेक्ट आपका EBS है. चैप्टर आपका 16 है और आपके चैप्टर्स का नाम है पेनियर्स ऑफ द ईयर. क्या है आपके चैप्टर मतलब इसका मतलब होता है जिनके द्वारा हवा की खोज की गई थी. पैथम अनवेशक जिनके द्वारा हमने हवा की खोज की थी. वैसे तो हवा जो होती है वो प्राकृतिक होती है. हवा को ना तो हम देख सकते न सुन सकते न छू सकते सिर्फ और सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते क्योंकि ये प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई है. बट हवा के द्वारा किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है किन किन चीज़ों के लिए उपयोग में लाई जाती है हवा उसका आविष्कार इन्होंने किया था. किनने किया था पेनियर्स में. चलिए हम इनकी स्टोरी पढ़ते हैं. देयर टू ब्रदर बेयर विल्बर एंड ऑर्विल राइट यानी कि दो भाई थे जिनका नाम विल्बर और ऑर्विल था. दे लिव इन डेल्टन इन अमेरिका. वो अमेरिका के डेल्टन में रहते थे. वाइबर वाज 4 ईयर ओल्डर देन ऑर्विल. जो वाइबर थे वो ऑर्विल से 4 साल बड़े थे. द टू ब्रदर वेन दे वेयर स्टिल वेरी यंग हैड ए ड्रीम टू मेक एन एरोप्लेन वेन दे से ए टॉय फ्लाइट इन द एयर. मतलब कि उन जो वो दोनों भाई थे उनका बचपन से ही वेरी यंग यानी कि नई उम्र से ही उनका ड्रीम था उनका सपना था एक एरोप्लेन बनाने का जिसका जो कि हवा में उड़ सकता है जो कि हवा में उड़ सके उसका उनका सपना था. द वेदर बेयर सरप्राइज्ड एंड नेम्ड द टॉय बेड. वे आश्चर्यचकित हो गए थे दोनों भाई और उन्होंने अपने टॉय को जो नाम दिया था उसका नाम था बल्ले बाटा. द फ्राइट वेदर हैंड बीन फेसेड बाय द आइडियाज ऑफ फ्राइट फ्रॉम ऑन अर्ली एग. और फिर उसके बाद में जो ब्राइट थे ना उनके उनका वो आइडिया जो था उससे उनके आइडिया से सभी लोग एग्री हो गए थे मतलब उनको सपोर्टेड भी किया और उनके जो आइडिया थे उससे वो वह लोग एग्री हो गए. इन 1888 वाइबर एंड ऑर्विल लेफ्ट हाई स्कूल टू स्टार्ट ए प्रिंटिंग प्रेस. और सन 1888 में विल्बर और ऑर्विल जो थे वो हाई स्कूल से हट चुके थे जिधर पे वो प्रिंटिंग प्रेस का काम सीखते थे वहाँ से वे हट गए थे. वीवर एंड ओरिवियर लेटेस्ट गुसोल्ड देयर प्रिंटिंग प्रेस एंड ओपनिंग ए वी साइकिल शॉप टू सेल एंड रिपेयर वी साइकिल. उसके बाद में विल्बर और ओरिवियर ने एक प्रिंटिंग प्रेस का काम छोड़कर उन्होंने एक शॉप को ओपन किया जिसमें वे साइकिल को बनाते थे और उनको रिपेयर करते थे. दे वेयर टैलेंटेड मशीन ओपन ए वी साइकिल शॉप टू सेल एंड रिपेयर वी साइकिल. देयर बाय टैलेंटेड मशीन एंड कूल मेक ए रिपेयर एनीथिंग. वे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे मशीनों को लेकर और वो किसी भी प्रकार की जो मशीन प्रॉब्लम होती थी कोई भी मशीन का प्रॉब्लम होता था उसको वो रिपेयर करते थे उसको वो सही करते थे क्योंकि वो मशीनों में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे. दे मैनी देयर रिसीव फ्रॉम द वी साइकिल सपोर्टेड दिन ड्रूइंग देयर अर्ली ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद फ्लाइंग मशीन. उन्होंने उनको उन्होंने ना साइकिल की जो शॉप थी ना उसको साइकिल की शॉप को उन्होंने सपोर्टेड किया और उसके बाद में उन्होंने अगले आने वाले साल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि फ्लाई जो हवा में कुछ उड़ने वाली मशीन का. विल्बर एंड ऑर्विल डिसीजन मशीन विद विंग्स लाइक ब्राइट. और उनका डिसीजन था एक विल्ड मशीन बनाने का जो कि हवा में उड़ सके. दे हैड नो पेपर एंड मूव एज द विंड ब्लो. और उसमें वो पेपर हैड नहीं करना चाहते थे. पेपर की सहायता से उन्होंने ये माइंड किया कि पेपर हवा में मूव करता है या नहीं करता. आप भी जब पेपर को एरोप्लेन बनाते हो रॉकेट बनाते हो और जब उसको हवा में आप डालते हो तो आपने देखा होगा कि आपका जो कागज का जो एरोप्लेन होता है वो हवा में मूव करता है यहाँ से वहाँ से वहाँ चला जाता है. दे ट्राइड बेटर इम्पोर्ट देन द क्रिएटेड फॉर
मशीन, और फिर उन्होंने अपने भाई को इम्पोर्ट किया इस मशीन को क्रिएट करने के लिए। ऑन दिसंबर 17, 1903 द ब्राइट ब्रदर फाइनली टुक ऑफ इन देयर वन फ्लाइंग मशीन। फाइनली उनका 17 दिसंबर 1903 में उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन को बना लिया था, फ्लाइंग मशीन को उन्होंने तैयार कर लिया था। इट वाज इन द एयर फॉर जस्ट 12 सेकेंड एंड फ्लो ए डिस्टेंस ऑफ 37 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और ये जो मशीन था वो 12 सेकेंड तक हवा में उड़ रहा था, जो हमारी जो जमीन होती है उससे 37 किलोमीटर ऊपर कर वो बाकी में हवा में उड़ने लगा था, और कम से कम वह 12 सेकेंड तक हवा में उड़ा हुआ था। इट वाज नाम किटी हब, और उन्होंने इसका नाम दिया था किटी हब। द फर्स्ट एयरक्राफ्ट ऑफ डिस्प्लेड और द नेशनल एयर एंड स्पेस मौसम इन वाइट वॉट दे एयरक्राफ्ट इज स्टिल प्रोवाइड इन दिस मौसम। और उन्होंने फिर उस मशीन को मौसम के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड किया कि ये किस मौसम में उड़ सकता है और किस टाइम पर ये ज़्यादा उड़ सकता है। जब हवा का प्रभाव होता है तो हवा के प्रभाव के कारण वो ज़्यादा हवा में तेजी से फास्ट मूव कर सकता है, और जब हवा का प्रभाव कम होता है तो उनका जो एरोप्लेन होता है वो उसका जो मूव होता है चलने की गति होती है वो स्लोली हो जाती है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया। इसके एक्सरसाइज हम PDF में से मिलेंगे, आगे का हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की आपकी क्लास इतनी ही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम।